किसी घड़ी में 24 की जगह क्या आपने कभी 30 घंटे सुना है? लेकिन अब ऐसा होने जा रहा है, और यह कोई ऐसी वैसी घड़ी नहीं है, बल्कि वैदिक घड़ी है। यह वह वैदिक घड़ी है जो मुहूर्त और राशिफल के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको देगी। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन के जंतर मंतर वैद्यशाला में यह वैदिक घड़ी 85 फीट ऊंचे टावर पर लगाई गई है। यह दुनिया की पहली ऐसी घड़ी है जो घंटे, मिनट और सेकंड के साथ साथ यह भी बताएगी कि सूर्योदय सूर्यास्त कब हुआ था। इतना ही नहीं, यह घड़ी पंचांग समेत 30 मुहूर्त बताएगी। इस वैदिक घड़ी में एक दिन में 24 नहीं बल्कि 30 घंटे होंगे। 48 मिनट का एक घंटा रहेगा। दरअसल धार्मिक नगरी उज्जैन को काल गणना का केंद्र माना जाता है। कालों के काल भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में वैदिक घड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आम लोगों को वैदिक ज्ञान भी देगी। यह विश्व की पहली वैदिक घड़ी है। इस डिजिटल वैदिक घड़ी का प्रयोग पहली बार उज्जैन में किया जा रहा है। यह काफी आकर्षण का केंद्र होगा क्योंकि हर कोई इस वैदिक घड़ी को देखना चाहता है। इसमें समय देखने के साथ ही मुहूर्त, ग्रहण, संक्रति और पर्व आदि की जानकारी भी मिलेगी। वैदिक घड़ी इंटरनेट GPS से जुड़ी होने से हर जगह के लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। यह घड़ी मौजूद स्थान के सूर्योदय के आधार पर समय की गणना करेगी। इस घड़ी को मोबाइल और टीवी पर भी सेट किया जा सकेगा। वैदिक घड़ी में 1 बजे के स्थान पर ब्रह्मा लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा एक ही है, दूसरा कोई नहीं। 2 बजे के स्थान पर अश्विनो लिखा हुआ है। अश्विनी कुमार 2 पुत्र है, नासत्य और दशरथ। नासत्य सूर्योदय एवं दशरथ सूर्यास्त का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 बजे के स्थान पर त्रिगुणाह लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है कि गुण 3 प्रकार के हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जीव और प्रकृति 3 गुणों की ही होती है। 4 बजे के स्थान पर चतुर्वेदाह लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद ही हिंदुओं के धर्म ग्रंथ है, दूसरा कोई धर्म ग्रंथ नहीं। 5 बजे के स्थान पर पंच प्राणाह लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है प्राण 5 प्रकार के होते हैं, अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान। शरीर में यह मुख्यतः 5 प्रकार के प्राण स्थित होते हैं। 6 बजे के स्थान पर षडूसाह लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि रस 6 प्रकार के होते हैं, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक और कसाय। 7 बजे के स्थान पर सप्तर्षया लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि सप्तऋषि साथ हुए हैं, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ। हर युग में अलग अलग सप्तऋषि हुए हैं। 8 बजे के स्थान पर अष्ट सिद्धियां लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि सिद्धियां 8 प्रकार की होती है, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इषित्व और वशित्व। 9 बजे के स्थान पर नवद्रव्याणी लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि 9 प्रकार की निधियां होती हैं, पद्म, महापद्म, नील, शंख, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप, खर्व। 10 बजे के स्थान पर दशदिशा लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि दिशाएं 10 होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, आकाश, पाताल। 11 बजे के स्थान पर रुद्राय लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि रुद्र 11 प्रकार के हुए हैं, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुद्न्य, शंभु, चंड और भव। यह भगवान शिव के रूप है। 12 बजने के स्थान पर आदित्याह लिखा हुआ है, अर्थ यह है कि सूर्य 12 प्रकार के होते हैं, अंशुमान, अर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान, सूर्य और विष्णु, वामन। यह ऋषि कश्यप और अतिथि के पुत्र हैं, जो देवता है।